बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ निहारी। आइए देखते हैं इसको हम होममेड मसाले के साथ किस तरह से बनाते हैं। चाहिए आइए मेरे साथ रेसिपी को एंजॉय करें। निहारी बनाने के लिए हम बोंग का गोश्त लेंगे। ये बीफ का मैंने गोश्त लिया है और आपके सामने है, देख लें बहुत अच्छा सा है ये, ठीक है। ये ले लेंगे हम तकरीबन, ये मैंने 3 पाव के करीब लिया, यानी कि 1 kg से थोड़ा सा कम है। ये अच्छा नली ली है मैंने और इसको भी मैं साथ में डालूंगी ताकि इसका गूदा निकाल सके हम कुक करते वक्त। इसको हम कुकर में बना रहे हैं। अच्छा, एक मीडियम ऑनियन थी उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा मेरे पर लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन मेरे पर 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। और होममेड मेरा जो निहारी मसाला है वो है मेरे पास तकरीबन ये 2 टेबल स्पून, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम। इसके अलावा हम ऑयल लेंगे कुकिंग करने के लिए। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 1 कप पूरा भर के ऑयल ले लिया है, ठीक है। और मैंने ये मीडियम जो स्लाइस की हुई प्याज थी वो मैंने डाल दी है। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा, प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको पकाने में, मुझे फ्राई करने में। अब मैं इसमें डालूंगी ये इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे गोश्त को, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक आपके सामने है ये। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और निहारी मसाला इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 5 मिनट भूनूंगी ताकि इसके मसाले का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरह से भून गया है, याद रहे कि हमने एक जो है वो नली भी ली हुई है और वो हम इसमें ऐसे ही रख देंगे साइड पे, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर सिर्फ गूदा यूज़ करना है। और मैं इसमें डालूंगी अब पानी, 4 गिलास पानी डाला मैंने। और गोश्त को अच्छी तरह से गलने के लिए मैंने इसको बंद कर देना कुकर को, तकरीबन ये 1 घंटा पकेगा। ये मैंने कुकर खोल लिया है अपना और देखें जो 6-7 सालन बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें से नली निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी इसको और इसकी ग्रेवी बढ़ाऊँगी। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, इसमें से मैं जो ऑयल है इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी। ऑयल मैंने निकाल लिया है, मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। इतने ही पकते हैं, इतने मैं इसका जो आटा है वो बनाती हूँ। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून भर के आटा ले लिया है, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1/2 कप पानी। ये मैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बना रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म कर देंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मैंने बहुत अच्छा सा बना लिया, ठीक सा, ठीक है। इसके अलावा जनाब नली में से मैंने गूदा निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास है जो मैंने इसका तरोरा जो था ऊपर से रोगन वो उतार लिया था। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास हरा धनिया है, नींबू है और हरी मिर्चें हैं और अदरक है जो कि मैंने कट कर लिया है। जो मैंने पानी डाला था शोरबे का वो अच्छा खासा, जो मैंने आटा जो है वो मैंने मिक्स करके रखा हुआ पानी के साथ पेस्ट बना के, वो मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और चम्मच चलाएंगे, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए आपके सामने है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। खूब अच्छी तरह से हम तकरीबन 5 से 10 मिनट और पका लेंगे, फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ। निहारी को मैंने डिश आउट किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको डेकोरेट करना। थोड़ा सा हम इस पर ये रोगन डालेंगे, ठीक है। रोगन हम ज़रूर निकाल लेंगे क्योंकि जब हम आटा मिक्स करके डालते हैं तो उसका रोगन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा नली डालूंगी। ये मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर नली डाल दी है और माशाल्लाह से क्या लुक आई है इसकी, ज़बरदस्त। और जनाब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। सही, हम थोड़ा सा इसके ऊपर अदरक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर और एक नींबू रखेंगे बीच में। और जनाब हमारे जो है निहारी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ट्राई करें, मेरे चैनल ऐसा फूड भी शमा राशिद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।